Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हमने उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसको हम लोगों ने चैलेंज किया सर्वोच्च न्यायालय में। आज सुनवाई के दौरान हमारी अपील को एडमिट करते हुए, एसएलपी को एडमिट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस किया है 29 को अगली सुनवाई होगी, उससे पहले 24 तक ईडी को रिप्लाई करना है। ईडी को नोटिस हो गया है और अगर हमने कोई रिप्लाई देना है तो वो 27 तक देना है और 29 को इस पर एट लेंथ आर्ग्यूमेंट होके और कोई ना कोई फैसला होगा। आज मान्य केजरीवाल जी को थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी ईडी कोर्ट में अपीयर हुए और उनकी कस्टडी जो है जुडिशियल कस्टडी 23 तक ऑफ अप्रैल तक बढ़ा दी है। अंदर थे आप जब सुनवाई हो रही थी, क्या कुछ बयान क्या रखा गया पक्ष? नहीं देखिए, अभी तो क्योंकि एसएलपी को एडमिट करते हुए नोटिस पे आर्ग्यूमेंट थी तो हम लोगों की उम्मीद थी कि भी जल्द से जल्द सुनवाई हो, उसको एक्सेप्ट करते हुए 2 वीक का नोटिस जिसमें ईडी को रिप्लाई भी करना है और उस रिप्लाई अगर हमने कुछ देना है वो भी कंसिडर करते हुए 29 को 2 वीक बाद पूरी सुनवाई होगी और हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी उम्मीद है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि जिस तरीके से एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड झूठे केस के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है और ऐसे समय पर अरेस्ट किया गया है जब पूरे देश में एक लोकतंत्र का उत्सव महाउत्सव चल रहा है, उसमें इतने बड़े नेता जो पार्टी के कन्वीनर भी हैं, देश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता चाहती है कि वो जनता के बीच में आएं और चुनाव में प्रचार करें। इसी वजह से हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से इंटरिम बेल के लिए भी अपील की है। क्या लग रहा है जो तारीखें हैं, 24 तारीख है, 27 तारीख तक आपको भी जवाब देना है, 29 को सुनवाई होगी, क्या बेल मिलने की उम्मीद लग रही है आपको? हम पूरी तरीके से आशावान हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारी उन सब दलीलों को, जिस तरीके से 456 से ज़्यादा गवाहों में कुल 4 ऐसे गवाह हैं जिन गवाहों ने इनिशियल बयानों में अरविंद केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ईडी जो है एक किस्म से एक्सट्रॉर्शन के तौर पे हथियार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, सिर्फ 4 बयानों में। उन बयानों पे किसी जेब कतरे को भी अरेस्ट नहीं कर सकते, आपने चुने हुए एक लोकप्रिय नेता को अरेस्ट किया है, उसमें हम लोगों को सर्वोच्च न्यायालय से बहुत उम्मीद है। ठीक है।